माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रामा एकादशी का व्रत कब है, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि क्या होगा। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बता दूं दोस्तों कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो रामा एकादशी आती है ना, तो माता लक्ष्मी जी का एक नाम रामा भी है, तो इस एकादशी का नाम भी लक्ष्मी जी के नाम पर ही पड़ा है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और धन संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 27 अक्टूबर को, दिन है रविवार, सुबह में 5:26 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 28 अक्टूबर को, दिन है सोमवार, सुबह में 7:50 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब की बार एकादशी का जो व्रत है ना, वो 27 अक्टूबर को नहीं रखा जाएगा, 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसे तो एकादशी तिथि 27 अक्टूबर को पूरे दिन है, लेकिन 27 अक्टूबर को दशमी युक्त एकादशी है और कभी भी एकादशी का व्रत द्वादशी युक्त एकादशी करना चाहिए। तो इसलिए 27 अक्टूबर को व्रत ना रख करके 28 अक्टूबर को व्रत रखना है, ठीक है। क्योंकि जब भी एकादशी अगर दो दिन का लगे ना, तो आगे वाला छोड़ करके हमें पीछे वाला ही करनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें 28 अक्टूबर को रामा एकादशी व्रत हमें रखनी है। और बता दूं कि 28 अक्टूबर को गौत्सव द्वादशी भी है, तो आप चाहे तो दो दो व्रत एक साथ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखना है, ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि द्वादशी तिथि शुरू होगा 28 अक्टूबर को, सुबह में 7:53 पर द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगा 29 अक्टूबर को, दिन है मंगलवार, सुबह में 10:31 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा 28 अक्टूबर को, सुबह में 7:30 से लेकर के और 9 बजे तक। तो इसलिए आप लोग राहु काल का जो समय होता है वो अशुभ समय होता है, इसलिए आप लोग पूजा पाठ जो भी सुबह का होता है वो 7:30 से पहले कर लीजिए, नहीं तो आप 9 बजे के बाद कीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गए। और बता दो कि ऐसा नहीं है, जब दो दिन का एकादशी का जब व्रत पड़ता है ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो पहले दिन रख लेते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे दिन रखते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ एकादशी का व्रत दो दिन का पड़ा है तो बहुत सारे लोग 27 अक्टूबर को व्रत नहीं रखेंगे, बहुत लोग रखेंगे, ये मैं जानती हूँ। तो जो लोग भी 27 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखेंगे वो 26 अक्टूबर को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे और वो लोग 28 अक्टूबर के दोपहर में 1 बजे व्रत का पारण करेंगे, ठीक है। और जो लोग भी 28 अक्टूबर को व्रत रखेंगे उन्हें 27 अक्टूबर को दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है और उन्हें 29 अक्टूबर को व्रत का पारण करना है। तो जो लोग भी 28 अक्टूबर को व्रत रखेंगे वो लोग 29 अक्टूबर को पारण सुबह में 6:34 से लेकर के और 9:36 तक, इसी बीच में उन्हें पारण करनी है। तो जो लोग भी 28 अक्टूबर को रामा एकादशी का व्रत रखेंगे वो 27 अक्टूबर को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे, दशमी तिथि के दिन बाल धोकर के स्नान करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, लहसुन प्याज तामसी भोजन ये सब का सेवन नहीं करेंगे, मसूर का दाल नहीं खाएंगे, चावल का भी त्याग करना चाहिए दशमी तिथि से ही, ठीक है। और बता दूं कि दशमी तिथि से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 28 अक्टूबर को आपको पूरे दिन उपवास रहना है। 28 अक्टूबर को आप लोग धूप दीप ये सब जला करके भगवान विष्णु का विधि विधान से आप लोग पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हमें 29 अक्टूबर को व्रत का पारण करना है, तो पारण का आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत जितना आवश्यक होता है
उतना ही आवश्यक पारण भी होता है, इसलिए पारण आप लोग हमेशा शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। अगर आपका भोजन बन गया है तो भोजन करके करें, नहीं बना है तो तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल करके तब कर लीजिएगा। इसके बाद जब आपका भोजन बन जाता है तब आप लोग द्वादशी के दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन करके ही व्रत खोलना चाहिए। और बता दूं कि इसमें सरसों के तेल में बना हुआ भोजन नहीं किया जाता है, इसमें घी में बना हुआ भोजन किया जाता है, ठीक है? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और पारण करने से पहले आप अपने हाथ से कुछ अन्न का दान कर दीजिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में दान करना बड़ा ही श्रेष्ठ होता है, तो दान कर लीजिएगा। तो यही सब नियम विधि हमें एकादशी के व्रत में नियमों का पालन करना है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को रामा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।